Hi everyone, this is me Supriya Gautam and welcome back to Cosplay Genie powered by NordVPN Gaming. So, on request of so many gamers and cosplayers, I decided to cosplay as Reyna from the game of Valorant. So, without further ado, let's get started. So first of all, we're going to make the knee pad, and for that I'm using 4mm EVA foam sheet. I'm going to draw the pattern over it and then I'll cut it. In order to bring the structure, I'm going to cut the marked parts and then I'm going to add adhesive on it. I will leave it for like 2 minutes and then I'm going to paste it all together to achieve the required shape. And then I'm going to add synthetic adhesive all over the knee pads in order to bring the shininess and to close the pores. And next I'm going to work on my thigh pads. And for that I'm using clean film over my thighs to bring the structure. I'm using tape here so that I can draw pattern over it just like this. And then I'll cut it with scissor. So this is the pattern and then I'm going to remove all the extra parts. And now I'm going to trace this pattern over 4mm EVA foam sheet. And then I will cut it. Be careful while cutting this. I'm going to cut two parts for the other thigh as well. So the base of my thigh pads are ready and then I'm going to add thin strips at the borders. And then I'm going to heat seal with the help of heat gun. And here I am working on the upper part of the knee pad. So now I'm going to trace this part on the 4mm EVA foam sheet and then I'm going to cut it. So we are going to follow the same process as we did for the thigh pads. So here I am cutting the pattern and then I'm going to trace it down over the 4mm EVA foam sheet. So after tracing the pattern, I'm going to cut it with the help of scissors. ये step करते हुए काफी ध्यान रखना है कि आप extra part आप ना काट दें, क्योंकि अगर आप काटेंगे तो ये वाला waste हो जाएगा. So better है आप अच्छे से उसको carefully cut कर लें. और मैं detailings के लिए side part पे और भी detailing कर रही हूँ, जिसको मैंने paste कर लिया है adhesive से. So मेरे दोनों ही leg armor ready हो चुके हैं. और अब हम काम करेंगे अपने बूट्स के ऊपर. सो बूट्स के ऊपर काम इस तरह करना है कि पहले तो अपना डिज़ाइन देख लेना है कि डिज़ाइनिंग में क्या क्या है. सारा ही फोम से ही वर्क होने वाला है इसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, जो भी मुझे डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए मैं फ्री स्टाइल में कट कर लूँगी सारे पीसेज और उसको वन बाय वन ज्वाइन कर लूँगी अपने बूट्स के ऊपर. मेजरमेंट्स थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, पर आप उसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं और उसको दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आपको इसको और इजी तरीके से करना है तो पहले आप वाइट शीट के ऊपर अपना डिज़ाइन बना लीजिए और उसको मेजर कर लीजिए अपने बूट्स के ऊपर लगा के कि साइज़ जो भी आपने कट किया है क्या वो ठीक है. और अगर वो ठीक है
तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। सो मेरे पीसेज अब सारे मैंने पेस्ट कर दिए थे, तो अब मैं उसको कवर कर दूंगी सिंथेटिक एडहेसिव से, और लेग आर्मर को भी मैं सेम सिंथेटिक एडहेसिव से कवर कर लूंगी। ये मैं काम कर रही हूँ अपने दूसरे बूट्स के ऊपर। पहला वाला मेरा कंप्लीट हो चुका था, ये मेरा है सेकंड बूट, ये भी उसी तरीके से करते जाऊंगी मैं। डिटेलिंग्स के लिए थिन स्ट्रिप्स मैं ऐड कर रही हूँ उसके एजेस पर। जल्दी जल्दी मेरे को अगर पेस्ट करना है तो मैंने एडहेसिव को ड्राई कर रही हूँ हीट गन के थ्रू, क्योंकि मुझे अपना टाइम सेव करना था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पीसेस थे जो मुझे अभी और रेडी करने थे। तो मेरा एडहेसिव अब ड्राई हो चुका है, सो नाउ आई एम गोइंग टू पेंट इट विद द गोल्डन पेंट। यहाँ पे मैंने ड्राई गोल्डन पेंट का यूज़ किया है, क्योंकि ड्राई गोल्डन पेंट से क्या होता है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है। और लेग बार्मर के ऊपर मैं वॉयलेट कलर को पेंट कर दूँगी, और उसके जो मैंने डिटेलिंग दी थी उसको ब्लैक से। तो मेरे बूट्स, लेग आर्मर, थाई आर्मर सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, सबको पेंट करके मैंने रेडी कर लिया है। अब हम काम करेंगे हाइलाइटिंग्स के ऊपर। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने काफ़ी सारे कलर्स यूज़ करे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लिटर ब्लू, वॉयलेट, लैवेंडर कलर। तो इन द सेंटर आई एम गोइंग टू पेंट इट विद द ग्लिटर पेंट ऑफ ब्लू कलर, और उसके एजेस में मैं डार्क शेड्स का यूज़ करते जाऊँगी। और बूट्स की डिटेलिंग्स के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर। और जो मेरा सबसे डाउन वाला पार्ट था मेरे बूट्स का, तो वहाँ पर मैं ड्राई सिल्वर पेंट का यूज़ कर रही हूँ। सो बोथ ऑफ माई बूट्स आर रेडी, और अब मैं काम कर रही हूँ अपने नी आर्मर के ऊपर, नी पैड के ऊपर, जिसको मुझे आयरन फिनिश देनी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ड्राई सिल्वर पेंट का ही यूज़ कर रही हूँ। मैं फिंगर्स का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिंगर्स से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, और ये काम बहुत जल्दी से हो पाता है। सो पेंट ब्रश के जगह मैं यहाँ पर अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। सो हेयर आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी सूट, जिसके लिए मैंने हेल्प ली है अपनी सिस्टर की, क्योंकि ये पार्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे अकेले करने में, क्योंकि इसका बैक पोर्शन भी मुझे कवर करना था। सो आई आस्क माई सिस्टर टू हेल्प मी आउट विद दिस। आप भी कर सकते हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप हेल्प लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ आप कर सकते हैं इस तरीके से। सो जहाँ जहाँ पर मुझे मेरा बॉडी सूट चाहिए था उसकी शेप के लिए मैं यहाँ पर टेप का यूज़ कर रही हूँ। सो मेरा बॉडी सूट रेडी ही हो गया है, और अब मैं इसको कट कर लूँगी सीजर से। सो ये मेरा फ्रंट आर्मर और ये मेरा बैक का। सो मैं सारे पीसेस इसको वन बाय वन कट कर लूँगी, जहाँ पर मुझे अटैचमेंट चाहिए होगा मैं वहाँ से भी उसको कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको ट्रेस कर लूँगी अपने फोम के ऊपर। यहाँ पे मैंने 2 mm फोम शीट का यूज़ किया है, क्योंकि 2 mm ईजिली बेंड हो जाएगी, बॉडी सूट ईजिली बन जाएगा इससे, तो मैंने 2 mm का यूज़ किया है। इसको मैं ट्रेस कर रही हूँ 2 mm शीट के ऊपर।
सो अब मैं पीस कट कर रही हूँ अपने बैक पोर्शन के सेम उसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट के लिए किया था। तो जो जो मेरे पीसेस है उस सबको मैंने अब पेस्ट कर लिया है एक साथ, सबको अटैच कर लिया है। अब काम करते हैं पेंटिंग के ऊपर। तो उसके लिए भी मैंने जो मैंने लेग आर्मर के ऊपर पेंट किया था सेम एज इट इज़ पेंट कर लूँगी मैं अपने बॉडी सूट के ऊपर। और सेम उसी तरीके से हाईलाइटिंग भी कर दूँगी क्योंकि हाईलाइटिंग से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, काफ़ी डेप्थ दिखती है, डिटेलिंग सीखती है। सो इसलिए हाईलाइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। That's all for today's video and I hope you guys like this tutorial and do not forget to like, share and subscribe Cosplay Genie. Bye bye.